Are you ready for a post-holi portfolio cleanup? उम्मीद करते हैं आपकी होली रंगों से भरी हुई बनी होगी। अब अगर आपके हाथों से रंग साफ हो गया हो तो आपकी पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स को अभी क्लीनअप कर लें। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को रेगुलरली मार्केट के अप्स एंड डाउन के साथ रिव्यू करते रहना चाहिए, जिससे रिस्क टू रिटर्न रेशियो मेंटेन रहे और न्यू मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहने के लिए आपके पोर्टफोलियो भी अपडेटेड रहे। ये करने के लिए आपको इन तीन पॉइंट्स का ध्यान देना है। पहला है रिव्यू करंट इन्वेस्टमेंट्स। अपने सारे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू करें टू अंडरस्टैंड योर डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न टू डेट, रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर एंड वोलेटिलिटी और रिस्क एक्सपेक्टेड इन योर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टमेंट्स। अपने रिव्यू के बेसिस पे ये ध्यान दें कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स को आज के इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स का फायदा मिल रहा है या फिर आप भी पुराने इन्वेस्टमेंट्स में ही अटके हैं इस उम्मीद में कि वो आज नहीं तो कल बढ़ेंगे। अब आपने रिव्यू भी कर लिया और नए इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई भी कर लिए, अब देखें कि कौन से अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को आप लिक्विडेट कर सकते हैं री इन्वेस्ट करने के लिए। आपको नेसेसरीली अपना रिस्क नहीं बढ़ाना है, अपना डेट टू इक्विटी रेशियो अपने कंफर्ट के हिसाब से मेंटेन रखें जिससे आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। इन चेंजेस का नेट कॉस्ट भी देखें, जैसे म्यूचुअल फंड्स पे एग्जिट लोड, FD पे प्री मैच्योर रिडम्पशन पेनल्टी और ओवरऑल शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप इस लॉस को अपने गेन्स के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर गेन्स। आप इन सारे स्टेप्स के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सहायता ले सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू अभियान वेल्थ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल हेल्थ।